हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इफ़ यू आर रेड टू माई चैनल यू आर मोस्ट वेलकम आई होप सो ऑल ऑफ यूर वेरी गुड इफ योर हेल्थ प्रिपेयरिंग वेल फॉर फ्यूर मेडिकल कॉलेज तो आज डे फोर है तो मैं बताता हूँ कि असल में जो मैंने आप लोगों के साथ प्लान शेयर किया हुआ है उसको तो आप लोग को पता ही है कि मीन मेरा प्लान यही है कि पहले था कि मीन वन वन चैप्टर मैक्सिमम प्रैक्टिस अब थोड़ा थोड़ा ना मीन करके इंक्रीज़ करने का मूड है प्लान यही है कि मीन इनको जल्दी से जल्दी कवर करूँ और वजह यह है कि मुझे उनके बाद जो दो मेरे वीक पॉइंट्स हैं मेन आप सबको अपने वीक वीक पॉइंट्स का पता होता है तो उनको ठीक करना है सबसे पहले अभी मैं बता दूं कि ना मेरे पास अभी अपने टीचर्स के नोट्स पड़े थे इंग्लिश के तो मैंने अभी उन्हीं से काम शुरू किया उन पर काफ़ी रॉन्ग प्रपोजिशन लिखी थे मीन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था ना वो डे थ्री के अंदर तो अभी मैंने इसके अंदर ना सिर्फ रॉन्ग प्रैक्टिस जो लिखी हुई है प्रपोजिशन इनको करना है उनके बाद वैसे मैं बता देता हूँ अभी मुझे इंग्लिश का क्या करना है मुझे इंग्लिश की आज फ्रेजल वर्ब्स करनी है ये भी मेरे टीचर के नोट्स हैं मेन जो इंपॉर्टेंट वाली हैं मेरे पास मोस्ट ऑफ डेटा हार्ड फॉर्म के अंदर भी है क्योंकि लास्ट ईयर मैंने हार मेन फ़िज़िकल सेशन दिया था ना इसलिए अभी इनको करना है इनको करने के बाद मेरे पास उसके बाद मैंने ना वो वोकेबलरी भी करनी है वोकेबलरी इसलिए है क्योंकि पिछले साल तो आई नहीं पेपर के अंदर तो अभी मेरा रिस्क लेने का मूड नहीं है और तो मेरे पास जो वो है उसके अंदर 500 हंड्रेड वर्ड्स हैं और वो मेरे टीचर के हैं तो वो मैंने गूगल ड्राइव के अंदर शेयर कर दिए हैं अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मैं लिंक भी दे दूँगा नीचे वो भी कर आप भी ले लीजिएगा और इसके बाद मेन फ्रेजल वर्ब्स के बाद मुझे आगे उसके नाम क्या कहते हैं कन्फ्यूज वर्ड्स ये मीन के इस तरह होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की तरह के होते हैं लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि बताया होता है कि साथ इनको कैसे इस्तेमाल करना है मीन कि इनका यूज़ इनको किस तरह आप रॉन्ग यूज़ जगह पे सही कर सकते हो उसके बाद अभी मैंने लैपटॉप के अंदर अपनी वो कैबलरी ओपन की है और मेरा डेली का मोड है फिफ्टी वर्ड्स करूँ क्योंकि फाइव हंड्रेड वर्ड्स हैं विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स और अभी तकरीबन दस ग्यारह बज रहे हैं और मुझे खाना खाना है अभी खाना खाया है और इस वो के काम को अब मुझे कंटिन्यू करना है आ, क्योंकि इसको इसलिए या क्योंकि ये पिछली दफ़ा नहीं आई बिल्कुल ओबियस नहीं आई सारों ने प्रिपेयर की थी और अब मैंने किप्स की तरफ से देखी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है मीन के इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं कि वो ब्रेन के अंदर आ, रखने के अंदर बहुत थोड़ा सी मुश्किल होती है मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकते हो सकते हैं आप कर सकते हो आपके अंदर इतना पोटेंशल है मुझे पता है लेकिन चलो मैंने में मुझे आपको जिस तरह आसानी हो आप उस तरह कर लीजिएगा लेकिन अभी इनको करने के बाद मुझे बायोलॉजी पे मूव करना है और बायोलॉजी का पहले मेरा मूड था वन चैप्टर करने का लेकिन अभी मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा जल्दी एक दफ़ा इनको ख़त्म करूँ उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करूँ प्रैक्टिस करने के बाद मीन uh, के मैंने टीचर के पास भी जाना है तो उनके जाने से पहले मुझे चीज़ें मार्कआउट भी करनी है कि मुझे उनसे चीज़ें करनी है ना पूछनी है फिज़िकली मतलब मुझे जाना है एक टीचर के पास तो उनसे मैंने डिस्कस करनी है चीज़ें तो उनके लिए तो मुझे मार्कआउट करनी चाहिए ना चीज़ें कि मतलब मैं उनसे शेयर करूँ सर मुझे ये चीज़ समझनी है या ये चीज़ करनी है तो इसके लिए आ, मुझे ये चीज़ें एक दफ़ा जल्दी से गो थ्रू भी करनी हैं तो अभी मेरा फिलहाल बायोलॉजी का स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है एक तो मैंने ये करना है और अभी मैंने इसी के बाद मुझे नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना है और मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एवोल्यूशन वाला चैप्टर और ये एवोल्यूशन वाला चैप्टर थोड़ा सा मुझे लेंथ में कम लग रहा था और उसके बाद मैंने सोचा है कि दो दो चैप्टर कर लूँ क्योंकि बताया अभी स्पीड अप हो जाएगा इस चैप्टर को एक तो मुझे इधर से करना है अभी फ़िलहाल ये दिमाग में चल रहा है कि मतलब एक दफ़ा वो वाली बुक से करूँ जो मैंने की हुई अमीन के अभी मैं पी से पंजाब का हूँ ना तो पंजाब की टेक्स्ट बुक्स को मैं स्पीड में कर लेता हूँ तो पहले मोड है कि मतलब पी जल्दी से कर लूँ उसके करने के बाद मतलब अभी इसकी बायोलॉजी की पी टी भी करूँगा फिर नेक्स्ट बुक की पी भी पंजाब टेक्स्ट बुक पढ़ूँगा फिर उससे नेक्स्ट और इसी तरह फिर आगे वाली नेक्स्ट करूँगा और इस तरह पहले ये ख़त्म हो जाएगा मीन अभी मैंने ये दो चैप्टर किए हैं ना तो अभी इसके बाद मेरे पास पढ़ी हुई है वैसे फेडरल की लेकिन मैंने वो नहीं कर रहा मैं केमिस्ट्री की ही बुक पर आया हूँ और यहाँ पर ही मुझे अल्काइल हेलॉड अल्कोहल ईथरफिन वाला चैप्टर यहाँ से करना है और यहाँ पे मीन करने के बाद ना सिर्फ मेरे पास इसके लिए मीन फेडरल पढ़ी है बल्कि मेरे टीचर के नोट्स हैं मैं आप लोग को प्रेफर करूँगा कि आप अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश की वो कैबडरी यूज़ कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों को ज़्यादा नोट्स के अंदर फंसाना नहीं चाहता मीन कि आप फंसे रहो ये करना है वो करना है खुद ही तो बेसिकली आप तो वो वो कैबरी डाउनलोड यू करके याद कर लीजिएगा फिफ्टी फ़िफ्टी वर्ड्स या थर्टी थर्टी या फोटी फोटी और साथ में सिर्फ केमिस्ट्री के मैं नोट्स प्रेफर कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप उधर से और इंग्लिश के अंदर एक मैंने न्यू पी डी एफ से अपलोड की हुई है जिसके अंदर ऑल इंग्लिश के नाम से वो बहुत अच्छी है वो मैंने पढ़ी थी थोड़ी सी तो मुझे अच्छी लगी मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि इंग्लिश के बच्चों आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि सिर्फ यहाँ पर मोस्ट टफ़ टाइम बच्चों के दो ही इधर एम डी कैट के अंदर चीज़ें मुश्किल लगती हैं एक इंग्लिश और दूसरा फिजिक्स इंग्लिश की इसलिए क्योंकि उसके एम सी क्यूज की एरर्स uh, को स्पॉट करना उसके बाद ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को ढूंढना और उसके बाद प्रपोजिशन ई टी सी ईच एंड एवरी थिंग आती है तो एक उधर प्रॉब्लम होती है और दूसरे नंबर पर फिज़िक्स पे नोमेरिकल टाइप एम बहुत आते हैं तो उनके टाइम पे प्रॉब्लम होती है तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग ये चीज़ें उधर से भी थोड़ी सी कर लें ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए अदरवाइज़ अभी मैंने केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स करने थे फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइल हेलाइट वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है और अब अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर है और इसके अंदर जस्ट ओनली फ्यू प्रैक्टिस मुझे करनी थी तो इसके लिए मैं अपना प्रैक्टिस बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ और अभी इसका हो गया है कम्प्लीट और अभी मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट पर मूव करना है लेकिन मुझे फ़िज़िक्स करनी है आ, और इसके लिए पहले मैंने फ़िज़िक्स की दो बुक्स उठा लूँ और यहाँ मैंने अभी फेडरल और पी दोनों ही उठा ली हैं और मुझे ये प्रैक्टिस रजिस्टर्स एंड पे मैंने काफ़ी कॉन्टे मतलब नोट्स हैं और अपनी मर्जी से अपने डाटा को अरेंज किया हुआ है तो इसलिए इन पर मुझे पता होता है कि कैसे होता है मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज कर लूँ इसको इधर रख लूँ इसको इधर और इस रजिस्टर पर मैंने आ, मतलब तमाम फार्मूलाज को लिखा हुआ था तो अभी जल्दी से उनकी प्रैक्टिस कर लूँ और अगर कुछ पढ़ने वाले हैं तो जस्ट ऑनली उनको पढ़ के ही आ, फ़िनिश कर लूँ और उसके बाद मुझे बाद में मीन इनकी फेडरल भी करनी है ना तो फेडरल करने के बाद अगर टाइम बचता है तो आज प्रैक्टिस करेंगे अदरवाइज़ हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव कर जाएंगे क्योंकि ओबियस आप बैठे हो तो टाइम लग रहा होता है और लेकिन ओबियस टाइम लगना भी है अगर नहीं कहेंगे तो वो बात गलत होगी तो एक दफ़ा टाइम अच्छे से लगा के उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमने नेक्स्ट काम पर मूव करना लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ यही कर रहा हूँ और मीन कि अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ प्रैक्टिस करने के बाद इसके लिए बेसिकली फ़िज़िक्स के अंदर तमाम फार्मूलाज और वैसे में मैंने थ्री रजिस्टर इस हवाले से हो गए थे क्योंकि एक तो मेरा लास्ट ईयर कुछ लास्ट ईयर वाले भी थे और उनको मैंने रीअरेंज कर लिया उसके बाद मैंने न्यू जो है हमारे पास पोर्टल होता है ना उधर से भी लिए थे और उसके बाद टीम्स पे हमारे टीचर्स के साथ लाइव भी हमने सेशन लिया था तो उधर उन्होंने भी काफ़ी नोट्स प्रोवाइड कर दिए तो उनको मैंने फ़िज़िकल फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करते तो वो कहते थे कि आप मेरा ना वीडियो लेक्चर में से खुद ही बनाया करो तो इसलिए हमें प्रॉब्लम आती थी लेकिन वो सर ने एक नोट्स भी नहीं हमें प्रोवाइड किए अपने मतलब के फार्मूलाज वाले तो कोई बात नहीं हमने फिर भी बना ही लिए नोट्स उसके बाद वैसे वो फिज़िकल फॉर्म के अंदर है मेरे पास और वो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर नहीं है लेकिन फिर भी मैंने एक दफ़ा किया लेकिन वो इतने अच्छे मेरे से मतलब कंप्यूटर स्कैन से करके शेयर किए थे इतने अच्छे तो नहीं हुए लेकिन जिस तरह भी हुए मैंने शेयर तो कर दिए थे वो गूगल ड्राइव के अंदर और अभी फ़िलहाल इसको करना है आई मीन अभी फेडरल से अभी मैंने पी से किया पी से करने के बाद अभी मैं फेडरल से कर रहा हूँ और फेडरल से करने के बाद अभी मेरे पास दो चीज़ें रह गई हैं मतलब अभी फ़िज़िक्स का हुआ है और अभी मैं सोच रहा हूँ और क्या करूँ मुझे पता है अभी मेरे पास दो फेडरल की पड़ी हुई हैं अभी केमिस्ट्री फेडरल भी पड़ी हुई है और साथ में मेरे पास अब फिज़िक्स फिज़िक्स अभी भी गई है ना बायो फैटल भी पढ़ी हुई है अब इन दो को लेके पढ़ना पढ़ना शुरू करते हैं तो फ़िलहाल कैसे शुरू करें फिलहाल चलो बायो से शुरू कर लेते हैं हाँ तो फिर यही चीज़ बायोलॉजी से शुरू किया असल में मैंने हाईलाइट किया हुआ है लेकिन आज फिर भी एक दफ़ा जैसे ही दिल ने कहा कि यार एक दफ़ा इसको जल्दी से स्पीड में पढ़ लेते हैं कि कोई चीज़ मैंने छोड़ी ना हो लेकिन फिर भी मैंने इसको स्पीड से पढ़ा ना तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने वही लाइन्स हाईलाइट की हुई थी लेकिन फिर भी एक दो लाइन्स रहती थी तो मैंने उनको दोबारा हाईलाइट कर लिया और प्रैक्टिस करने के लिए अगर कोई चीज़ हो तो वो भी मैं कर ही लेता हूँ तो इस तरह करके मीन अभी इस्कोप कर गए हैं उसके बाद आई मीन अभी हमारे पास पड़ी है मेरे पास क्या पढ़ गया मेरे पास अभी केमिस्ट्री की फैडल पड़ी है मैंने इसके बाद केमिस्ट्री की फैडल करनी है उसको करने के बाद मेरे टीचर के नोट्स हैं और फिलहाल अभी मेरी हो रही है बैटरी लो और ओबियस अभी मेरा पर्सनली आप लोगों से मैंने बोला था ना प्रेफरेंस आ, आप लोग फ्रेशर हो ना आप लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मीन आप लोग चीज़ें करते हो ना आप लोगों को मुश्किल लगती हैं और आप कहते हो यार ये कैसे करें वो कैसे करें सेम इसी तरह हमारे साथ भी होता था हम भी मुंह उठा के बैठे रहते थे हमें भी चीज़ें मुश्किल लगती थी हमें नहीं हो रही होती थी आप लोगों की तरह हम भी बहुत अमीन कहते थे यार चीज़ें नहीं हो रही मुंह उठा के बैठे रहना लेकिन एक चीज़ है लेकिन हम कोशिश करते रहते थे और आप लोगों के साथ ये प्रेफरेंस है कि मीन आप जब प्रैक्टिस बुक्स यूज़ कर रहे हो ना आप किसी एस एम सी के उस पर स्टक्क को तो आप उसको एक दफ़ा मार्कआउट करके कर छोड़ दो उसके बाद आप फ्री टाइम में मतलब जैसे अगले कर लो उसके बाद उसकी चीज़ से देख लो सल्यूशन सोल्यूशन समझ लो फिर आपके लिए आसानी हो जाए करेगी समझ रहे हो ना आप और अभी फ़िलहाल मेरी प्रैक्टिस पड़ी है वो मैं कर लूँगा इसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मैं अपनी प्रैक्टिस भी शेयर कर दूँगा प्रैक्टिस किस तरह करनी है और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा टेक केयर सी यू सोन अल्लाह हाफिज़ और जाने से पहले अपने भाई के चैनल को लाइक भी कर देना सब्सक्राइब भी कर देना ओके